नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस ऑफ एसीबी के बारे में समझाने वाला हूं। यानी आप एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस करने का सही प्रोसीजर क्या है, कैसे आप मेंटेनेंस करेंगे, इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो एसीबी के बारे में, वीसीबी के बारे में बना चुका हूं। दोस्तों, अगर आप हमारा पुराने वीडियो को देखेंगे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर पुराने वीडियो को देखें, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के बारे में ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मेंटेनेंस कैसे करते हैं, मेंटेनेंस के दौरान हम लोग क्या क्या करते हैं। मेंटेनेंस के दौरान सबसे पहले दोस्तों, इंस्पेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यानी आप सही इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको फॉल्ट का पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट हुआ है, कहाँ पे क्या लूज हुआ है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इंस्पेक्शन करें, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को क्लीन करें। आपको क्या क्या क्लीन करना है, क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले इंस्पेक्शन करें, उसके बाद क्लीन करें, उसके बाद दोस्तों आपको लुब्रिकेशन करना पड़ता है। तो लुब्रिकेशन के दौरान आप कहाँ पे लुब्रिकेशन करेंगे, कौन सा ग्रीस यूज करेंगे, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो ये तीनों हो जाने के बाद अगला चीज़ है टाइटनेस। यानी आपको टाइटनेस चेक करना है, हो सकता है कुछ पार्ट्स लूज हो गया होगा तो उसको भी आपको टाइटनेस करना है। और लास्ट में आपको टेस्ट करना है। तो क्या आपको टेस्ट करना है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं इंस्पेक्शन में क्या क्या किया जाता है। इंस्पेक्शन में आपको ये देखना है दोस्तों कि मेन कॉन्टैक्ट्स में कोई इरोजन हो गया है कि नहीं, या उसका कंडीशन कैसा है, ये आपको देखना है। उसके बाद आर्किंग कॉन्टैक्ट्स एंड देयर गैप्स। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ब्रेकर हम लोग तो क्लोज कर देते हैं लेकिन उसका कॉन्टैक्ट सही तरीके से बैठता नहीं, तो ये भी आपको चेक करना है। कैसे आप चेक करेंगे, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया है दोस्तों, कैसे आप आर्किंग कॉन्टैक्ट का गैप को आप चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट सही तरीके से क्लोज हो रहा है कि नहीं, कैसे आप चेक करेंगे, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल ट्रिपिंग जो रहता है, यहाँ पे अंडर वोल्टेज रिले रहता है, साउंड रिलीज रहता है, प्रोटेक्शन रिलीज, ये सारे को आपको चेक करना है। उसके बाद जॉ कॉन्टैक्ट्स और इनकमर साइड में भी उसका कॉन्टैक्ट्स को आपको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग करेंगे। तो दोस्तों क्लीनिंग कैसे करना है, सबसे पहले तो दोस्तों अवॉइड एयर ब्लोअर, एयर ब्लोअर का यूज ना करें, वैक्यूम क्लीनर का यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जितना हो सके आप लोग उसे कपड़ा से साफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लोअर का यूज ना करें, सैंड पेपर का यूज भी ना करें। जैसे कि आप देखें कि कॉन्टैक्ट में इरोजन हो गया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट को साफ करने के लिए सैंड पेपर का यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, ना फाइल का यूज करना है ना सैंड पेपर का यूज करना है। जितना अच्छा हो सके एयर ब्लोअर का भी यूज ना करें, वैक्यूम क्लीनर का यूज करें। उसके बाद दोस्तों आपको कैसे क्लीनिंग करना है, तो सीआरसी से क्लीन करें, सीआरसी 226, ये सीआरसी से आप लोग क्लीन करें, कॉन्टैक्ट्स को सीआरसी से क्लीन करें दोस्तों। उसका अगला पार्ट है दोस्तों लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन में आपको क्या करना है, कहाँ पे आपको लुब्रिकेशन लगाना है, तो लुब्रिकेट करें जहाँ पे ये फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जितना सारा मूविंग पार्ट्स है सारे मूविंग पार्ट्स को आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं। जहाँ पे ये सरफेस के ऊपर रब होके जा रहा है, यानी जहाँ पे ये फ्रिक्शन पैदा हो रहा है वहाँ पे आप लोग लुब्रिकेशन लगाएं। लेकिन दोस्तों कॉन्टैक्ट्स को कभी भी लुब्रिकेट ना करें, और एक्सेस ग्रीस का भी आप लोग यूज ना करें। एक्सेस ग्रीस यूज करेंगे तो ये ब्रेकर के लिए हार्मफुल रहेगा। यानी ओनली रिकमेंडेड ग्रीज यूज करें, यानी एयर सर्किट ब्रेकर का कुछ रिकमेंडेड ग्रीज रहते हैं, उन सारे ग्रीज को आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि लिथियम 2 मोली ग्रीज ML, ये ग्रीज का आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या क्या ग्रीजिंग करना है, ये पिक्चर में एक कॉट सेक्शन दिखाई दे रहा है एयर सर्किट ब्रेकर का, तो ये सारे पार्ट्स को आपको ग्रीजिंग करना है।
सबसे पहला तो पिंस, रोलर असेंबली, पोललेस स्प्रिंग, स्टेनलेस स्टील प्रोफाइल, स्लॉटेड गाइड, जो दोनों साइड में जो गाइड रहता है गाइड रोलर, लिथियन रोलर, अब छोटा छोटा रोलर भी वहाँ पे देखेंगे। तो ये सारे मूविंग पार्ट्स को आपको ग्रीज करना है। उसके बाद दोस्तों टाइटन क्या करना है, तो क्या क्या आपको टाइट करना है, जितना सारा मैकेनिकल जॉइंट्स है उनको टाइट कर सकते हैं, लेकिन टॉर्क रेंज से आप लोग टाइट करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी ब्रेकर के लिए अच्छा नहीं होगा दोस्तों, इसलिए जितना रिकमेंडेड है उतना ही आपको टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कौन सा बोल्ट को कितना टाइट करना है, M5 बोल्ट को 0.22 टॉर्क में आपको टाइट करना है, M6 बोल्ट को 0.38 में टाइट करना है, M8 बोल्ट को 1.1 में टाइट करना है, M10 बोल्ट को 2.1 में टाइट करना है, M12 बोल्ट को 3.55 में टाइट करना है, M14 बोल्ट को 5.3 में टाइट करना है और M16 बोल्ट को 7.75 में आपको टाइट करना है। तो अगला पार्ट है दोस्तों टेस्टिंग, क्या क्या आपको टेस्टिंग करना है। टेस्ट करेंगे तो कंट्रोल सर्किट को टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेकर पैनल में जितना सारा इंडिकेशन है वो सारे इंडिकेशन काम कर रहा है कि नहीं, उसका लैंप सही है कि नहीं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ट्रिपिंग, ये सर्किट को आप टेस्ट कर सकते हैं। अंडर वोल्टेज रिलीज को आप टेस्ट कर सकते हैं, शंट रिलीज को आप टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारे को आप टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेंटेनेंस कब करना है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SCV जब हम 500 ऑपरेशन कर लें नॉर्मल लोड पे, तो एक बार उसे मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। उसके बाद SCV 10 फॉल्ट को क्लियर कर लिया इसका रेटेड कैपेसिटी में, तो वहाँ पे भी हमको मेंटेनेंस करना जरूरी है। और SCV हैज क्लियर 1 फॉल्ट ऑफ इट्स रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ है दोस्तों, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। जो रेटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी ब्रेकर के ऊपर लिखा होता है दोस्तों, ICU, ICW, ICS ऐसा लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आप लोग, यानी जब ये शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाए तो आप लोग तुरंत ही ब्रेकर को मेंटेनेंस कर लेना चाहिए। और SCV मान लीजिए डस्टी एटमोसफेयर में है, बहुत ज़्यादा डस्ट उस एरिया में है, तो वहाँ पे हर 6 महीना में आपको SCV का मेंटेनेंस कर लेना है। और वैसे भी अगर SCV आपका सर्विस में नहीं है, 6 महीना से ज़्यादा हो गया आपका SCV को आपने लाइन में नहीं लिया है, सर्विस कंडीशन में नहीं है, तो उस समय भी आप लोग उसको मेंटेनेंस कर दें। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर, कब आपको मेंटेनेंस करना है SCV, SCV का मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या क्या चेकिंग करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। नमस्कार दोस्तों।